फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सेक्शुअल बी में आपका स्वागत है। और आज है संडे और आज का हमारा संडे का दिन चल रहा है, पूरा आलस चल रहा है, कुछ भी सारा काम धीरे धीरे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में एक्चुअली में टी के साथ कुछ पनीर के बाइट्स, ये पनीर बनेगा। और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ पास्ता बनाने की। ये देखिए, पास्ता बॉईल होने के लिए रख लिया है। तो हमारा जो पहले मॉर्निंग टी हो जाएगा, अभ्यांश को मैंने पनीर दे दिया, अभ्यांश और उसके पापा को मिल्क दे दिया, और मेरा टी प्लस पनीर, और दूसरा ब्रेकफास्ट रहेगा हमारा पास्ता। सो आपसे मिलते हैं इसकी रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, पनीर के कुछ बाइट्स के साथ चाय और चाय के साथ टीवी, इट इज़ अ रियल गुड कॉम्बिनेशन। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, सेकंड ब्रेकफास्ट होगा थोड़ी देर में यहाँ पर। अब नेक्स्ट टाइम मैंने कर ली है तैयारी पास्ता बनाने की। ये पास्ता, ये चॉप्ड टोमेटो एंड कैरेट, और वहाँ पर लहसुन और प्याज है, ये मैं यूज़ करूँगी सॉस। और ये काली मिर्च को थोड़ा सा मैं पीस रही हूँ। अब हमने ये सॉटे करने रख दिया है गार्लिक एंड अनियन, इसको थोड़ा सा यू नो सॉफ्ट कर लेंगे। और मैं आज बेसिकली दो सॉसेज यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये टोमेटो एंड कैरेट, इसको भी हम सॉटे करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, पूरा नहीं पकाना होता है। इसके बाद इसमें ऐड कर दी काली मिर्च और हम इसको घुमाते रहेंगे थोड़ी देर तक। और सॉल्ट भी ऐड करना है, ऑब्वियसली सॉल्ट ऐड कर दिया। ये यू नो थोड़ा सा अगर हम इसमें वेजी ज़्यादा डालते हैं तो थोड़ा हेल्दी भी रहता है और संडे हमारा फंडे बन जाता है। बच्चे को क्योंकि बहुत पसंद आता है तो हम इसको करते हैं इंजॉय। इसको करने के बाद इसमें हम डालेंगे पास्ता। ओ माय गॉड, ये तो अटक गया स्टार्च की वजह से अटक गया। मैं इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। तो हाथ से मैंने इसको डाल दिया और पूरा इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा इसको सेपरेट करते भी जाएंगे, चिपका हुआ सा अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग पास्ता थोड़ा कम पकाते हैं, मैं इसको थोड़ा अच्छे से पका लेती हूँ ताकि बच्चे के पेट में दर्द ना हो, मैदा ही तो होता है ना। तो इसको प्रॉपर डाल लेंगे। उसके बाद डालने के बाद हम इसमें डालेंगे वाइट सॉस, वीवा की है ये वाइट सॉस, के 4 स्पून डाल देंगे हम इसमें। ये मैं धीरे धीरे करके इसमें डालती जा रही हूँ। और क्या है ना कि आज स्टैंड पे नहीं लगाया कैमरा, फ़ोन से है, तो दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसे डालने के बाद अब हम इसको करेंगे मिक्स करेंगे इसको। इसमें थोड़ा सा मैं रेड सॉस भी डालूँगी और इसको प्रॉपर कर लेते हैं मिक्स। और मिक्स होने के बाद हम पकाएंगे इसको, थोड़ा सा सॉल्ट और यूज़ करेंगे, थोड़े से इसमें कुछ और मसाले यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम इंडियन लोग तो हर चीज़ में तीखा चाहिए, तो थोड़ा सा इसको और तीखा बनाएंगे और बना लेंगे। सो इट विल बी गुड, और बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बना था हमारा आज का पास्ता। और फ्रेंड्स, मेरा ये पास्ता है रेडी, यम यम। और हमने इस पास्ता के साथ मज़े में किया एक वेब सीरीज। पास्ता के साथ ये फैंटा और ये मैंगो जूस पापा ने पिए थे। अभी सर भाई, आपकी इसी राय को बदलने की, पास्ता पपाया और मैंगो जूस का फ्लेवर और और साथ में कुछ देख भी तो रहे हो, पेप्पा पिग। पेप्पा पिग, सो व्हाट इज द मोस्ट यम्मी थिंग दैट यू आर ईटिंग? क्या सबसे ज्यादा यम्मी है इसमें से? जूस। ओके, एंजॉय बेबी। और फ्रेंड्स, नाइट में हम गए थे कुछ चटपटा खाने, सो हमने खाए मोमोज और दही पापड़ी भी खाई थी, उसका मैं लेने ले। Thank you.
चुकी हूँ स्कूल। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।